सास बहू रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का हॉट डॉग। ये एक बहुत ही चीजी, स्पाइसी और टेस्टी डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए तेल और हमें यहाँ पे चाहिए 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन तंदूरी मसाला, नमक यहाँ पे लिया है हमने, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, और हमें चाहिए 1 टीस्पून काली मिरी पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा और धनिया पाउडर। साथ ही साथ हमें आगे जो हम तड़का लगाने वाले हैं उसके लिए हमें इन सॉसेस की जरूरत है, वो है शेजवान सॉस लेंगे हम 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस चाहिए हमें, 2 टेबलस्पून चिली सॉस एंड 1/2 टीस्पून हम सोया सॉस डालेंगे। और इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे हम थोड़े वेजीज ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली हुई है, ग्रीन शिमला मिर्च ली हुई है, रेड और येलो ली है, साथ ही साथ थोड़ा ऑनियन लिया है, उसे मैंने कट कर लिया है ऐसे क्यूब्स में, शिमला मिर्च भी हमने कट कर ली है। और इन सब में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और हमें चाहिए है लेमन जूस चाहिए हमें, और ये सब जो है हम यूज करेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन के लिए। इस बोनलेस चिकन को जो है मैंने ऐसे क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है, और हम जो ये बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए फ्रेश हॉट डॉग्स चाहिए, और आखिरी में जो है हम इसमें चीज और बटर जो ऐड करेंगे वो है मोजरेला चीज यूज कर रहे हैं हम। इसे हम लास्ट में जब हम एक गार्निशिंग करेंगे हम तो इसे हम श्रेड कर लेंगे और यूज करेंगे। साथ ही साथ हमें थोड़ी स्लाइस चीज भी चाहिए और बटर चाहिए। तो चलिए बनाते हैं हमारे चिकन टिक्का हॉट डॉग रेसिपी। अब हम जो है सबसे पहले हमारी चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें आगे जाएगा धनिया पाउडर, तंदूरी चिकन मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, और हम डालेंगे काली मिरी पाउडर, साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें लेमन जूस डालेंगे हम, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और जो कॉर्नफ्लावर और मैदा हमने लिया हुआ है वो हम डालेंगे इसमें। और ये मैदा डाल रहे हैं हम, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपनी चिकन को कोट कर लेंगे। चिकन कोट होने के बाद अच्छे से इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारी चिकन जो है अच्छे से मिक्स हो गई है हमारे मसालों के साथ। अब इसे हम थोड़ी देर मैरिनेट के लिए रख देंगे, 1 घंटे के लिए हम रख देंगे इसे रेफ्रिजरेटर में। अब हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट हो गई है, इसे अब हम शैलो फ्राई करेंगे। तो चलिए शैलो फ्राई करते हैं हमारी चिकन को। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा तेल। तेल को जरा गर्म होने दीजिए अच्छे से। अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, और अब इसमें हम डालेंगे हमारी चिकन, और चिकन को हम थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए अपनी चिकन को। अब जो है हमारी चिकन पक गई है, इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम साइड में एक बाउल में निकालेंगे
आप इसी तरह से अपनी पूरी चिकन जो है अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये मैं टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब हमने जो है हमारी पूरी चिकन को शैलो फ्राई कर लिया है। अब बारी है थोड़े वेजीज के तड़के की और थोड़े से सॉसेस के तड़के की। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकने देना है। अब हमारी प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गई है, पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने ऐसे बारीक कट कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च डालेंगे। ये मैं ग्रीन शिमला मिर्च डाल रही हूँ और बड़ी है येलो शिमला मिर्च की। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें जो है हम डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम और इसे हम सिम गैस पर ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। शिमला मिर्च पक जानी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और अब इसे मैं ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी। अब ये हमारी शिमला मिर्च जो है वो पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे सॉसेस। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे शेजवान सॉस। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं या तो आपको रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाएगा। ये शेजवान सॉस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, और टोमेटो सॉस, और एकदम थोड़ा सा सोया सॉस। इसे खटास बहुत आती है इसलिए एकदम थोड़ा सा ही डालेंगे हम। और इसे अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें जाएगी हमारी चिकन। वेजीज के साथ प्रोटीन भरी चिकन। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गई है। एक दो मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे और फिर अपने हॉट डॉग में इसकी स्टफिंग करेंगे। ये हमारी स्टफिंग जो है अब तैयार हो गई है। इसे अब आप एक अलग से बोल में निकाल के रख दीजिए और आगे अब हम हमारे हॉट डॉग को बटर लगा के थोड़ा प्रिपेयर करेंगे, फिर उसमें हम हमारी स्टफिंग जो है उसे फिल करेंगे। ये मैं एक बोल में निकाल के रख दूंगी, इसे ठंडा होने दीजिए और फिर आपकी आगे की प्रोसीजर कीजिएगा। अब हमारी चिकन की जो स्टफिंग है वो रेडी है और ठंडी हो गई है। साथ ही मैंने बटर यहाँ पे मेल्ट करके लिया है और मोज़रेला चीज जो है उसे श्रेड किया है। और ये जो मैंने हॉट डॉग्स लिए हैं इनमें से दो हॉट डॉग्स को मैंने ऊपर से ऐसे थोड़े से पीस उसका जो है निकाल लिया है ताकि हम अपनी स्टफिंग भर ले, और दो जो है वो मैं से आड़े से मैंने ऐसा कट कर लिया है। आपको जैसा पसंद आए आप वैसा बनाइए। तो सबसे पहले हम जो है बटर है, बटर जो लिया है हमने मेल्टेड बटर, वो ऐसे इसमें लगा लेंगे ताकि हमारे चिकन का जो मसाला है वो इस हॉट डॉग में एब्जॉर्ब ना हो।
इस तरीके से आप लगा लीजिए। इस तरीके से हमें लगाना है और ये जो साइड में साइड से हमने कट लिया है इसमें भी हम ऐसे अपना बटर लगाएंगे। ऊपर नीचे दोनों साइड लगाना है हमें बटर। ऐसे हमारे चारों हॉट डॉग्स जो है उन्हें हम ऐसे रेडी कर लेंगे, ये देखिए। और इसमें जो है अब हम भरेंगे हमारी स्टफिंग। जो है हमें हमारी चिकन की जो स्टफिंग है वो इसमें फिल करनी है। इस तरीके से आप अपनी स्टफिंग को फिल कर लीजिए अच्छे से प्रेस करके। थोड़ा सा आप चाहिए तो इसे थोड़ा सा और वाइड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा स्टफिंग आप भर सकते हैं भर लीजिए, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये इस तरीके से हमें हमारी स्टफिंग भरनी है। देखिए मैंने इसे फिल कर लिया है, इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। और ये वाला इसमें जो है मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ऐसे साइड से ही कट कीजिए, क्योंकि इसमें स्टफिंग जो है वो ज्यादा आप भर सकते हैं। ये हमने पूरी तरीके से भर फिल कर लिया है। इस तरह से आप अपने पूरे हॉट डॉग्स जो है उसे फिल कर लीजिए। हमने हमारी स्टफिंग भर दी है हमारे हॉट डॉग्स में। अब हम इस पे थोड़ा सा स्लाइस चीज डालेंगे। आपको इस तरह से स्लाइस चीज रखनी है स्टफिंग पे। मैंने कहा था आपको ये बहुत ही चीजी स्पाइसी और टेस्टी डिश है। आजकल बच्चों को चीज बहुत ही पसंद आती है, तो ये जो बना रहे हैं हम हॉट डॉग ये भी बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अब ये हमने स्लाइस चीज जो है वो रख दी है और अब हम डालेंगे इस पे मोज़रेला चीज। इस तरीके से आप भी मोज़रेला चीज डालिए। और अब हम जो है इसे माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रख देंगे। इसे हम ऐसे बंद कर रहे हैं और 1 मिनट में जो है हमारी चीज पक के और ये जो हॉट डॉग है वो भी गर्म हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं हमारे माइक्रोवेव में। अब ये हमारे चीजी स्पाइसी टेस्टी चिकन टिक्का हॉट डॉग्स तैयार है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को तो ये डेफिनेटली पसंद ही आएंगे, पर आपको भी पसंद आएंगे। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए ये टेस्टी रेसिपी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।